हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे फ्लाइट एडेप्टेशंस हमारे ACF एग्ज़ाम की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो। बर्ड्स में जो उड़ने के लिए अनुकूलन होगा उसके शरीर में, वो हम यहाँ पे देखेंगे बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन के साथ में। इसे फ्लाइंग वर्टिब्रेट भी कहते हैं। गर्म रक्त तथा नियत तापी प्राणी है, होम्योथर्म है, और इसका मतलब है अगर आपके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वातावरण में या फिर कम हो रहा है तो इससे बर्ड्स के टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो हमेशा अपना टेम्परेचर है हमारी तरह कैसे करके रखता है, हमेशा कांस्टेंट करके रखता है। शरीर है वो हल्के पंखों से ढका होता है जिसे टीरियोलोसिस कहते हैं। शरीर हल्के पंखों से ढका रहता है। अब एडेप्टेशंस देखते हैं, ये बेसिक करेक्टर हो गए। हम इस चार टाइप के एडेप्टेशन की यहाँ बात करने वाले हैं। एक मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा एनाटोमिकल, तीसरा फिजियोलॉजिकल कार्य के रूप वाला, और जनरल एडेप्टेशंस। चार टाइप के करेंगे हम, तो इससे आपको पता चल जाएगा उनमें एडेप्टेशन किस तरह से होते हैं ताकि वो उड़ पाने में सक्षम हो। आकार की अनुकूलन देखते हैं सबसे पहले, तो इनका आकार कैसा होता है, नौका की शेप में होता है, नौकादार होता है, हवा के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो जैसे नौका देखी होगी आपने, इस तरह से उस तरह से उड़ पाएँ और हवा के प्रतिरोध को कम करें, इसीलिए वो नौकादार होगा। अगर ऐसे उड़ेगा बिल्कुल तो हवा का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो नौकादार होता है ताकि रेजिस्टेंस है वो उसे उड़ने में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पूरे शरीर पर पंख पाए जाते हैं जिसे ट्रियोलिसिस कहते हैं। बाईपेडल गमन पाया जाता है, दो पैरों पर गमन, क्योंकि आगे वाले जो पैर होते हैं अग्रपाद वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। टेल कैसी होती है, पूंछ छोटी होती है और स्टंपी होती है, ठीक है, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ओके, मुंह जबड़े और दांतों के स्थान पर, मुंह जबड़े और दांतों के स्थान पर गमनशील और मजबूत चोंच पाई जाती है जो रैम्पेथिका नामक कला से ढकी रहती है। रैम्पेथिका नामक कला से ढकी रहती है और चोंच का उसके आपके न्यूट्रिशन लेने में यूज है, प्रोटेक्शन में यूज है उसका, ठीक है। तो ये है उसका मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। हम दूसरा एडेप्टेशन आते हैं एनाटोमिकल एडेप्टेशंस, तो इसमें आपके वो शारीरिक ही थे, ये इंटरनल एडेप्टेशन आएंगे। इंटरनल उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं वो बाहर से थे, मॉर्फोलॉजिकल। एनाटोमिकल होता है इंटरनली चेंजेस। तो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स जो अंशमेखला और ह्यूमरस से जुड़ी रहती हैं, अंशमेखला जो आगे के पैर होते हैं वहाँ पे, जैसे हम स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स है जो अंशमेखला और ह्यूमरस से जुड़ी रहती है। तो अगर हमें ह्यूमरस की और अंशमेखला की बात करें तो हमें किस तरह से होता है, अगर इस तरह से हमारा हाथ है, ये हमारा एल्बो वाला जॉइंट है, तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना मिलेंगी और ये ह्यूमरस होगी जो कि अंशमेखला से जाके अटैच करती है, यहाँ पे आपके कंधे वाला जॉइंट बनाती है। तो इसी तरह से इनमें अंशमेखला, ये फ्लैट मसल मान लीजिए यहाँ पे, जो कि अंशमेखला और आपके ह्यूमरस से जुड़ी रहती है। ओके, हड्डियाँ खोखली होती हैं जिनमें वायुकोश होते हैं, जिससे ये मेन एडेप्टेशन है, याद रखना। हड्डियाँ कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, जिनमें एयर सैक्स होते हैं जो शरीर को हल्का बनाते हैं। अब जैसे हल्का बनेगा तो उसे उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भारी होगा तो उड़ नहीं पाएगा। पसलियाँ द्विशाखित होती हैं कैसे होती हैं, द्विशाखित होती हैं, जिनमें अनसिनेट प्रोसेस पाए जाते हैं, याद रखना आपको। कशेरुकाएँ विषम करती होती हैं, वर्टिप्राय आपने देखी, जैसे हमें 26 मिलती हैं, सर्वाइकल, थोरेक्सिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जो नीचे की सैक्रम कॉकिक्स वाली हैं वो मिक्स हो जाती हैं, जिससे इनकी वर्टिप्रा कम हो जाएगी और इन्हें उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विषम गढ़ती होती हैं तथा धड़ की अस्थियाँ हैं, धड़ जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पक्षियों का, वो कम स्थान घेरती हैं, आपको याद रखना है। क्लेविकल और इंटरक्लेविकल मिलकर फर्कुला बोन बनाती हैं, यहाँ पे क्लेविकल और इंटरक्लेविकल, जबकि मैंने बात की अगर वर्टिब्रा की बात करें, सर्वाइकल, थोरेक्स, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, यहाँ पे सैक्रम और कॉकिक्स वाली हैं वो मिल के सिंसैक्रम बनाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखना है। ओके, मूत्राशय यहाँ पे एब्सेंट है इनमें। और इसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो इनमें ग्रेसिका होती है, जो ईसोफेगस होती है, वो चेंज हो जाएगी और क्रॉप बनाएगी जो भोजन संचय का काम करती है। और स्टमक है, अमाशय है, वो यहाँ पे गिजर्ड बनाता है, पेशड़ी, जो कि भोजन का पाचन करता है। पेशड़ी होती है जो आपके कठोर पदार्थ होते हैं, कंकड़ पत्थर, वहाँ उन्हें भी तोड़ सकती है। तो इनमें भोजन का पाचन किससे होगा, पेशड़ी से, और संचय किससे होगा, क्रॉप से, याद रखना है। पूंछ में प्रीन ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियों के अलावा सारी ग्रंथियाँ एब्सेंट होती हैं। अगर आपने
कबूतर में देखा होगा उसके गर्दन वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, चमकीला होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, प्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ पे पूंछ में मिलेंगी तेल ग्रंथियाँ, कई पक्षियों में पूंछ में भी मिलती हैं, उसके अलावा और किसी भी टाइप को आपको ग्रंथियाँ नहीं मिलेंगी, पसीने की ग्रंथियाँ भी नहीं मिलती यहाँ पे। अगर हम बात करें श्रोणि मेखला की, तो यहाँ पे इलियम बड़ी होती है, प्यूबिस छोटी होती है, स्टियम पीछे की ओर होती है। ये आपकी कौन सी है, श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डल। ओके, एग मेम्ब्रेन हमारा, हाँ, ये टॉपिक भी चल रहा है मेरे अनदर चैनल ट्यूटोरियल डिफरेंट पे, आप जाके देखेंगे एग मेम्ब्रेन। तो हमने चार टाइप के एग्स में एग मेम्ब्रेन की बात की थी, थ्री टाइप की, यहाँ पे अनदर भी दे रखी है। तो यहाँ पे ये एग मेम्ब्रेन मिलेंगी आपको, एमनियन, कोरियन, योक्सेक और एलेंटॉइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी कि कार्य के अनुकूलन कौन कौन से होते हैं, फेफड़ी स्पंजी होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और कैसे होते हैं, भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन तीव्र तरीके से होता है इनमें। ओके, थ्री लोब्ड मेटानेफ्रिक पाए जाते हैं, मेटानेफ्रिक अगर बात करें हम में भी, ब्रक अगर पूछा जाता है मनुष्य में तो उसमें भी मेटानेफ्रिक होते हैं, तीन लोब होते हैं उसके। यूरिगोटेलिक एक्सक्रिएशन करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में, ठीक है, यूरिक अम्ल के रूप में, जिसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। ओके, यूरियाटेलिक में भी जरूरत पड़ती है पानी की, सबसे कम जरूरत, अमीनोटेलिक में सर्वाधिक जरूरत पड़ती है, आपकी जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक हम हैं, और यूरिकोटेलिक जिसमें पानी की सबसे कम मात्रा जरूरत होती है उत्सर्जन करने के लिए आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, वो यूरिकोटेलिक होते हैं, जैसे कीट है, आपके पक्षी हैं, सरसरप हैं, ठीक है। हार्ट फूड, हार्ट यहाँ पे कैसा होगा, फोर चैम्बर्ड होगा, मोनोकुलर विजन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, मोनोकुलर विजन पाई जाती है। अंडाशय कैसा होगा, एकल होगा, ये आपके कौन से एडेप्टेशन हो गए, आपकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, जो कि कार्य के रूप के एडेप्टेशन होते हैं। अब हम आते हैं जनरल एडेप्टेशन, सामान्य एडेप्टेशन, इनके अलावा कौन कौन से मिलते हैं, टांगों के अलावा संपूर्ण शरीर पर पंख होते हैं, हम देख ही चुके हैं इसे, जिसे टेरियोलिसिस बोलते हैं, ध्वनि उत्पादक अंग होते हैं, सिरिंक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं पक्षियों में ध्वनि उत्पादक कौन से अंग होते हैं, तो वो सिरिंक्स होते हैं, और ह्यूमंस में कंठ होते हैं जिसे लेरिंक्स बोलते हैं। पर्चिंग पाई जाती है, माइग्रेशन पाई जाती है, किसके लिए, अपना अनुकूल वातावरण के लिए, अच्छी फीडिंग पाने के लिए वो माइग्रेशन या फिर पर्चिंग करते हैं। नेट बिल्डिंग पाई जाती है यानी कि घोंसला का निर्माण करना, और पेरेंटल केयर है वो भी बहुत अच्छे से पाई जाती है, यानी कि अपने जो संतति हैं अपने बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। परों से रंजन शो करते हैं, अब जो पंख होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, ये रंजन कलरेशन शो कर सकते हैं। इनमें मैथुन भी होगा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे क्वाइटिस बोलते हैं वो भी यहाँ पे होगा। तो ये एडेप्टेशन है चार टाइप के, जनरल एडेप्टेशन। आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की है, देखिए ध्वनि उत्पादक कौन से होते हैं, सिरिंक्स होते हैं पक्षियों में। ओके, विजन कौन सी पाई जाती है, मोनोकुलर विजन पाई जाती है। उत्सर्जन किस तरह से करेंगे, यूरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। ब्रक कौन से मिलेंगे, मेटानेफ्रिक ब्रक मिलते हैं। ओके, स्पंजी फेफड़े होते हैं, एग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं सारी। ओके, पूंछ में प्रॉन ग्रंथियां और तेल ग्रंथियों के अलावा कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। संचय क्रॉप के रूप में होता है, पाचन पेशणी के रूप में होता है, मूत्राशय एब्सेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। कशेरुकाएं विषमगढ़ती होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं जिनमें एयर सैक्स होते हैं जो कि उससे शरीर को हल्का बनाते हैं। ओके, अग्रपाद पंखों में द्विपादी गमन मिलेगा, आकार कैसा मिलेगा, शरीर का नौकाकार, जो कि हवा के प्रतिरोध को कम करता है। तो ये गाइस थे आपके चार टाइप के एडेप्टेशन। आई होप गाइस मैंने बहुत सॉफ्ट फॉर्मेट समझाने की ट्राई की है। सो थैंक्स, इफ यू एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन बिलो।